नमस्कार, राजभर्तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर्तक। स्वदेह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने महंगाई के खिलाफ धरने का जब से आह्वान किए हैं, तभी से लेकर स्वदेह भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि अपने अपने गाँव में जाकर स्वदेह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के धरने के बारे में बताएं कि 22 जुलाई को शास्त्री घाट पर स्वदेह भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के खिलाफ धरना देंगे। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी इधर से बात उधर घुमाकर किसी प्रकार से दोबारा सत्ता में आना चाहेगी, लेकिन सभी जनता को ये भी बताना है कि विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की बातों को लेकर हमें गुमराह नहीं होना है, नहीं तो बीजेपी दोबारा सरकार बना सकती है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहे राजभर तक। अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 22 जुलाई शास्त्री घाट के मैदान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सम्मान में आप सभी लोगों को चलना साथी, यहाँ पर तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारे युवा साथी सभी लोग जाग चुके हैं और मैं अपने कान्हा राजभर जी से चाहूंगा कि कल आपको समय मिल जाए, अपने यथाशक्ति के अनुसार समय आपको मिल जाए तो हम लोग भी आपके इसी तरह जैसे हम लोग बैठे हैं उसी तरह से आपके घर गाँव में भी चला जाए, ताकि कुछ लोग वहाँ से नज़दीक पड़ेगा और हम भी यहाँ से हम लोग उठेंगे अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 30 मोहिया में हम लोग भी अपना एक छोटा सा आपसी चर्चा करेंगे। साथ ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पार्टी बनाए, साथी जात बिरादरी की बात नहीं थी, साथी जो नेताजी की मुहिम, जो नेताजी की चर्चा बिंदु है, साथी जो मुहिम है साथी वह 27/10/2002 का चल रहा है, साथी उसमें कोई नया चर्चा की बात नहीं है। साथी जिसका इतिहास रच जाता है, इतिहास बन जाता है, कोई उसको इतिहास को मिटा सकता है? साथी आप लोग बताएं, इतिहास मिट सकता है? नहीं मिट सकता है। साथी ऐसे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं, माने महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान को बचाने के लिए ऐसे ऐसे नौजवान पड़े हैं कि मैं उन नौजवानों को कितना मैं समझाऊं, लेकिन उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। एक लाइन का एक प्रश्न लिखे साथी, हम नौजवानों के विषय में बता देना चाहता हूं, हमारे पूर्वज क्या करते रहे हैं। जिसे लोग कहा ना कि गाना गाओ से पहले चालन की भूमिका, कर्म ऐसा ही करके गए पूर्वजो, कर्म ऐसा ही करके गए पूर्वजो, प्राण चल जा भले देश का गौरव न जाए, जिसके रंग में वतन की है गरिमा भरी, जिसके रंग में वतन की है गरिमा भरी, हो इतनी दफन सिर कभी ना झुकाए, जिस समय देश ही खंड खंड में रहा, हर राजा आपस में रहे अरुझाई, उठे और वैर लख विदेशी यहाँ पर हमारे मजबूरी का फायदा उठाए। एक टेरी के लाइन में साथी लिखा गया है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का अमर भय कीरती, महाराजा सुहेलदेव राजभर का अमर भय कीरती, भारत सभा में वन कर उजाले मूर्ति, भारत सभा में वन कर उजाले मूर्ति। साथियों जो कारवां मानने नेताजी चल रहे हैं, नेताजी की भी कारवां आप लोग के माध्यम से कभी न झुकने वाला है न रुकने वाला है, साथी ये भी बता दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नौजवान साथी हम लोग के बीच में है, समय आने पर हम लोग साथी कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके, ये साथी मत समझना कि जैसे बरसात हो रही थी सुबह में उस तरह से बरसात हो जाए कार्यक्रम, अपने आप को मत समझना, जैसे नेताजी कह रहे हैं कि जिस दिन वोट पड़ने वाला है वो सूचना नहीं दिया गया था, और इसमें कुछ लोगों को जो
हमारे करीब में थे, संपर्क में थे, उनको बुलाकर एक बैठक रखी गई है। इस बैठक की रूपरेखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन काशी में हो रहा है, इसीलिए रखी गई है। और सभी ने अपनी अपनी विचार दिया और बहुत ही अच्छी बातें रखी, और एक बल एक ताकत के रूप में आप सभी ने अपनी बातों को रखा बखूबी। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो धन है, इतनी बड़ी लड़ाई ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और इस अत्याचारी सरकार से। साथियों, 22 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आकर वाराणसी के शास्त्री घाट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जो जनता के हित में है, जनहित मुद्दों को उठाकर रखेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की, महंगाई चरम सीमा पर,